Hi, I am Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics 705052-3391. Today, our video theme will cover a very crucial and critical question for PA Economics Honors Semester 1 Paper 2 under Vinoba Bhave University. तो क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि कमर्शियल बैंक का हम सभी लोग यूज करते हैं. तो बेसिक हम इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा हम ब्रीफली इसके फंक्शन का डिस्कस करेंगे और इसका नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में अलोंग विद दिस वीडियो और इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध है. तो हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन होता है मैंने फाइव डिवीजन में इसको बांटा है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. डिपॉजिट मतलब जमा लेता है. किससे लेता है भाई? पब्लिक से. कमर्शियल बैंक जैसे हो गया बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जो व्यवसाय करता है. तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कौन रखता है? बिजनेसमैन लोग रखते हैं. करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे होता है क्योंकि इसकी बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट डे टू डे होता है. वो हर दिन निकालते, 10 बार बैंक से निकाल सकता है, 10 बार जमा करते रहते हैं. सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट कौन सा लोग यूज करते हैं? जिनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, सप्ताह में 2 बार निकाले. इसमें भी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय बीइंग बैंक, तो इसमें भी पैसा को रखा भी रहता है. इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो जिनकी आय बहुत छोटी होती है, जैसे छोटे किसान हो गए, फार्मर हो गए, वो लोग भी पैसा रखते हैं, 15 दिन सप्ताह में निकालते हैं. फिक्स डिपॉजिट इसमें, हाँ, सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट हो गया. फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या है कि एक टर्म के लिए पैसा रखा जाता है, नंबर ऑफ इयर्स के लिए. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होती है. जितना लंबा पीरियड के लिए आप पैसा रखिएगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होंगे, मैक्सिमम 12% इन आवर कंट्री. एडवांसिंग लोन. अब लोन भी देती है बैंक, तो एक तो डिपॉजिट लेती है, पहला बात. जो डिपॉजिट लेती है जितना लंबा समय के लिए, तो वो बैंक अपने पास ना रख के वो लोन देती है. इसे डिपॉजिट पर व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो लोन देंगे उस पर शायद 10% 12% देंगे, तो दोनों को जो डिफरेंसेस होता है वही प्रॉफिट ऑफ बैंक होती है. तो बिना बैंक के डिपॉजिट और लोन का काम ही नहीं कर सकती है. तो ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि जैसे हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया है, हमने चेक काट दिया 20,000 रुपया का, पहली बात कुछ समझिए. तो बैंक हमारा अगर सिविल अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है बैंक में, तो हमारे चेक का ऑनर करेगा, बाउंस नहीं करेगा, वो 20,000 रुपया तक भुगतान करेगा. यानी 10,000 रुपया हमको बैंक उधार दे रहा है. 80,000 हमारा अकाउंट में था लेकिन उन्होंने 20,000 रुपया का पेमेंट किया जिसके नाम पर हम चेक काटे थे, तो हमारे चेक का वो ऑनर किए. फिर एक कैश क्रेडिट लोन. कैश क्रेडिट लोन ऐसा होता है कि लोन आपको हम दे दिए भाई, क्रेडिटेड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, आपको नगद पैसा नहीं देंगे. आपको 1,00,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, आप जितना पैसा निकालोगे, उपयोग करोगे, यूटिलाइज करोगे, इसे 20,000 किया तो उसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. डिमांड लोन. डिमांड लोन एक प्रकार का लोन होता है. जो ये लोन उन लोगों को दिया जाता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको तुरंत तुरंत की आवश्यकता होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ दिया जाता है. ये लोन देने के बाद बैंक तो देती है लोन, और किसी भी समय बैंक आपसे मांग भी सकती है इस तरह के लोन. शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म ही लोन दिया जाता है, जैसे कुछ आपको बैंक अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, जैसे कोई चीज आप वैल्यूएबल चीज बैंक को मॉर्गेज में रखिएगा तो उसके अगेंस्ट में आपको शॉर्ट टर्म लोन देगा. एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है. इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लेंगे. बहुत सारे स्टॉकिस्ट होते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो वो गुड्स को स्टॉक रखे हुए हैं, ठीक है. तो कोई परचेजर आता है, बायर आता है, तो वो उसको मैंने बेचते हैं और बदले में
सेलर को क्या मिलता है, वहां पर एक बिल देता है कि 1 महीना के बाद हम स्टॉक का पेमेंट कर देंगे जब एक्सपायरी होगा से 1 महीना, जो भी जैसा डिपेंड करता है, और भी सारा फील्ड में इसकी यूज होती है। तो जो बेचने वाला होता है तो 1 महीना के बाद अगर पेमेंट उसको मिले तो उस तरह सभी उस एक ही से कस्टमर उसके पास नहीं है, बायर बहुत सारे बायर होते हैं, तो उसके कैश बॉक्स में सिर्फ हुंडी ही बचे, इसको हुंडी भी कहते हैं। तो क्या करता है, बैंक जाता है और ले लेता है, इसको भंजा लेता है, बैंक को मैंने बेच देता है बैंक को, और उसको बैंक प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार उसको बिल को भुगतान करती है और बैंक पर छोड़ देता है, छोड़ दिया जाता है 1 महीना के बाद उसकी प्राइस क्या होगी। तो इसी को डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक का काम है ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस फॉर द कस्टमर। आजकल बहुत सारे SBI, बहुत सारे बैंक, जो हमारी SBI है मल्टीनेशनल बैंक है, तो विदेश में आपको कमा रहे रुपया तो रिमिट भी कर देती है, जैसे वहां पर हम डॉलर कमाए तो कन्वर्ट करके हमको इंडिया में रुपया हम भेज सकते हैं। वो है मिसलेनियस भी काम करती है बैंक, जैसे लॉकर का फैसिलिटी देती है, प्लस कस्टमर के तरफ से वो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ बिल का भी भुगतान करती है, जैसे बिजली बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, और बहुत सारे काम एक्सेट्रा। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हम तो थोड़े एक पिक्चर का ट्रेलर दिखा दिए हैं, ये नहीं कि रट के हमको जाना है भाई, हम नोट्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये आप जो यूज करते हैं बैंक को किस तरह यूज करते हैं, हाउ यू यूज कमर्शियल बैंक, यू नीड टू पुट इन ऑन योर पेपर, उसी को पेपर में रखना। ये नहीं कि अपना भाषा में जो लिखे, अपना भाषा में ही लिखना, ये नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है उसी को हम दे रहे हैं, अपनी भाषा में। मैंने यहाँ लर्निंग की जरूरत होती है, ठीक है, आपने क्या लर्न किया, क्या प्रैक्टिकली जानते हैं, उससे ज्यादा नंबर आप स्कोर करोगे। अगर वही चीज जो रट के जाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरी नंबर 2 पॉइंट, अभी तो आपको 29 तारीख से परीक्षा अपेयर होना है, कम से कम प्रत्येक दिन दो चार क्वेश्चन आपको लिखना है, बिना देखे हुए 4 क्वेश्चन, जिससे राइटिंग स्पीड आपको बढ़ेगा, राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, बिना देखे हुए कोई चीज के। अरे दो ये पर ना लिखते हो, लेकिन लिखो अपने से प्रैक्टिकली सोच के। अभी एग्जामिनेशन हॉल में लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो तुम जान के भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि एवरीडे एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, मतलब समझो कि कल से ही परीक्षा है, आज क्या है 24 है, तो कल से ही परीक्षा है, वही टाइम में 4 क्वेश्चन प्रत्येक दिन लॉन्ग वाला लिखो, प्रैक्टिस करना शुरू। हम 10 क्वेश्चन जानते हैं, 10 क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा सही समय पर परीक्षा में हम लिख सकेंगे, राइटिंग स्किल होगा, सेंटेंस दिमाग में बनाने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे चूंकि वी हैव अ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी दिन एवरी डे, इट हेल्प लॉट ऑफ इन द एग्जामिनेशन हॉल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी एग्जामिनेशन तो लिखना बहुत जरूरी है, राइटिंग इज ए मोर नेसेसरी देन रीडिंग। पढ़ने से ज्यादा पढ़िए आप 10 मिनट, लिखिए आधा घंटा और 1 घंटा सोचिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन और रेशियो बनाकर चलोगे तो नो डाउट यू विल गेट सक्सेस ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो गुड नाइट, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।